हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नेपाल के भाषा सेके के बारे में जानेंगे, इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस के बारे में जानेंगे, यूनेस्को की दृष्टि में किस भाषा को संकटग्रस्त कहेंगे इसके बारे में जानेंगे, विश्व भर में संकटग्रस्त भाषाओं की क्या स्थिति है इसके बारे में भी जानेंगे, और लास्ट में इंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये खबरों में क्यों रहा। हाल ही में नेपाल के सेके नामक एक भाषा विश्व भर में चर्चा का विषय बनी रही। लुप्त प्राय भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्थान इंडेंजर्ड लैंग्वेज अलायंस के अनुसार वर्तमान में विश्व भर में सेके भाषी लोगों की संख्या मात्र 700 ही रह गई है। अब इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। सेके बोलने वाले पोखरा, काठमांडू और यहाँ तक कि न्यूयॉर्क तक चले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भाषा लोगों के अन्यत्र ऐसी जगहों पर चले जाने के संकट में आ गई है जहाँ यह भाषा बोली नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ इस भाषा को बोलने और अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का परिवेश प्राप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सेके बोलने वाले परिवारों के छोटे बच्चे इस भाषा को न सीखते हुए नेपाली और अंग्रेजी पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ज़्यादा मदद मिल रही है। अब हम देख लेते हैं सेके भाषा है क्या। सेके इसका मतलब होता है सुनहरी भाषा, दैट इज़ गोल्डन लैंग्वेज। यह नेपाल में बोले जाने वाली 100 जनजाति भाषाओं में से एक है। सेके भाषा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की संकटग्रस्त, दैट इज डेफिनेटली एंडेंजर्ड भाषाओं की सूची में रखा गया है। अब हम देख लेते हैं यूनेस्को की दृष्टि में किस भाषा को संकटग्रस्त कहेंगे। तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग किसी भी भाषा के संकटग्रस्त होने की 6 कोटियाँ हैं, मतलब कि इनके 6 टाइप्स हैं। पहला टाइप है सेफ लैंग्वेजेस या फिर सुरक्षित भाषाएं, वैसी भाषाएं जो सभी पीढ़ियों द्वारा बोली जाती हैं और बिना बाधा के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है, उन्हें हम सेफ लैंग्वेजेस कहते हैं। अगला टाइप है संकटग्रस्त, दैट इज वल्नरेबल लैंग्वेजेस। ये वैसी भाषाएं हैं जिनको अधिकांश बच्चे बोलते तो हैं परंतु इनका प्रयोग सर्वत्र नहीं होता है। द नेक्स्ट कैटेगरी इज डेफिनेटली एंडेंजर्ड लैंग्वेज, निश्चित रूप से संकटग्रस्त। जिस भाषा को बच्चे अपनी मातृभाषा के रूप में नहीं सीख रहे हैं उसको निश्चित रूप से संकटग्रस्त भाषा कहा जाता है। द अदर कैटेगरी इज सीवियरली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, जिसका मतलब विकट रूप से संकटग्रस्त। ये ऐसी भाषाएं हैं जिनको दादा दादी और पुराने लोग बोलते हैं और माता पिता समझते हैं, परंतु वे स्वयं इस भाषा में आपस में अथवा बच्चों से बात नहीं करते हैं, जैसा कि आजकल हम अपने घरों में देख रहे हैं। अगर लोकल डायलेक्ट है तो घर में आपस में तो बात करते हैं लेकिन बच्चों से नहीं बात करते हैं ताकि वह इंग्लिश या फिर हिंदी सीख सकें या बोल सकें। द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज, अतिशय संकटग्रस्त। अतिशय संकटग्रस्त भाषा वह भाषा है जिसको दादा दादी अथवा घर के बूढ़े लोग सदैव नहीं बोलते हैं लेकिन कभी कभार प्रयोग में लाते हैं। द लास्ट कैटेगरी इज एक्सटिंक्ट लैंग्वेज, मतलब कि विलुप्त भाषा। जब किसी भाषा को बोलने वाले कोई नहीं बचते तो उस भाषा को विलुप्त भाषा कहा जाता है। अब हम देखते हैं विश्व भर में संकटग्रस्त भाषाओं की स्थिति क्या है, दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय देशज भाषा वर्ष, दैट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज घोषित किया था। यूनेस्को के अनुसार विश्व में अनुमानित 6000 भाषाओं में से मात्र 57% भाषाओं को सुरक्षित, दैट इज सेफ की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 10% भाषाएं वल्नरेबल, 10.7 भाषाएं डेफिनेटली एंडेंजर्ड, लगभग 9% गंभीर रूप से संकटग्रस्त, दैट इज सीवियरली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, 9.6% अत्यंत संकटग्रस्त, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तथा 3.8% भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में हम एंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इस परियोजना की शुरुआत विभिन्न देशों की भाषाविदों और भाषा संस्थानों के सहयोग से ईयर 2012 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य लुप्त प्राय भाषाओं से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। गूगल और ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं इस परियोजना की संस्थापक सदस्य हैं। ईएलपी के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 201 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं, जबकि नेपाल में ऐसी भाषाओं की संख्या 71 बताई जा रही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंडेंजर्ड लैंग्वेज। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू है या फिर आपका क्वेश्चन है, आप हमेशा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल टिल नाउ, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।